दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 जुलाई 2024 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा कर्क राशि के रहेंगे, पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे लव राशि फल के, लेकिन उससे पूर्व जानेंगे आज का लव टिप, आज का खास उपाय, आज क्या उपाय करें जिससे आज का दिन आपका श्रेष्ठ बन जाए, अच्छा जाए। तो आज के दिन उपाय में आपको 3 बार नारायण 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 सुबह उठते ही उच्चारण करना है, सुबह बिस्तर को छोड़ने से पहले ही, यानी कि जैसे ही आपकी आँख खुले तो आप 3 बार मन में नारायण 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 उच्चारण कीजिएगा। उसके बाद में उठ करके अपना जो स्नान ध्यान जो भी करते हैं वो कीजिएगा, और दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप 3 बार नारायण 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 फिर से उच्चारण कीजिएगा, और ये किसी भी अवस्था में आप हों कर सकते हैं। उसके बाद में शाम के वक्त में आप 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी किसी भी वक्त जिस अवस्था में हो इस टाइम पे आप शांति से एक जगह बैठ करके 3 बार फिर से मन में ध्यान करके नारायण 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 उच्चारण करेंगे, और उसके पश्चात जब आप सोने जाएंगे सोने से पहले आपको 3 बार नारायण 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 उच्चारण करना है मन में, और फिर प्रार्थना करनी है कि आपके कल का दिन जो है, अगला दिन, इस दिन आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, क्या बेहतरीन देखना चाहते हैं, वही होगा आपकी लव लाइफ में अगले दिन। आप मतलब मांग लीजिए जो भी आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में कमी है, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर कमी है, या ये आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग आ जाए, ये सब चीज़ें आ जाएँ, मतलब ये रिलेशनशिप को लेकर के एक अच्छी चीज़ें जितनी सोच सकते हैं सोचिएगा। अब कोई उस तरह की चीज़ें मत सोचिएगा, किसी प्रकार से जो अपनी वासना मत दिखाइएगा, मतलब अपनी जो नैतिक चीज़ें हैं जो एक रिश्ते में, एक अच्छा रिश्ते में हम सोचते हैं कि हमारी तरह तरह की जो प्रॉब्लम है, डाउट हैं, कन्फ्यूजन है, वो सब चीज़ें, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम इत्यादि, वो चीज़ें खत्म हो जाएँ, या इस तरीके से आपके पार्टनर सोचें आपके बारे में, अच्छा सोचें, तो ये आप मांग लीजिएगा, वही होगा अगले दिन। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लव राशि फल का हाल। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों आपको एक जानकारी और दे दें, हमारा दूसरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी, उस पर आपके बारे में एक वीडियो दी गई है आपके बारे में, मतलब लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, तो वो जाकर के देखिएगा, जिसमें हमने बताया कि मेष राशि वालों में क्या कमी होती है, क्या उनके अंदर अच्छाई होती है, और 11 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि अगर आपने वो 11 बातें जान ली तो आप अपने आप को जान लेंगे और मेष राशि को बखूबी पहचान लेंगे। तो कभी भी मेष राशि का व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में भी है तो उसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे, भले ही आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप उनमें से बहुत सारी बातें जानते होंगे लेकिन उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते होंगे, जब आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। वैसे तो और राशियों की भी जानकारी उसमें मिल रही है तो जाकर के देखिएगा। मेष राशि वालों अभी यहाँ पर लव राशि फल की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए आप सिंगल हैं तो ये दिन, आज का दिन जो है आपके लिए कष्टकारी है, क्योंकि इमोशंस बढ़ेंगे, फीलिंग्स बढ़ेगी किसी के लिए, और वो व्यक्ति आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम है। लव लाइफ में भी आपके पार्टनर हूँ हाँ तो कर देंगे कि हाँ मुझे सब समझ आ रहा है आपकी फीलिंग वगैरह, लेकिन एकदम हकीकत अगर जानेंगे आप कि वो हूँ हाँ जो थी बस केवल आपके मन को बहलाने के लिए थी, हकीकत में वो आपकी फीलिंग बिल्कुल नहीं समझ रहे, आपकी भावनाएं बिल्कुल नहीं समझ रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए न कि आपके बारे में, तो बहुत सेल्फिश भी बनेंगे आज के दिन आपके पार्टनर। नो कॉन्टेक्ट में स्थिति सामान्य है, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर कलेश भी हो सकता है, कलेश फैमिली को लेकर के हो सकता है या फैमिली की वजह से हो सकता है, फैमिली के किसी भी मेंबर का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर अगर आपकी मैरिड लाइफ में होता है तो आज बहुत बुरा कलेश होने वाला है, अगर खास करके आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड के
मदर का किसी भी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है बातों में, या तो वहाँ पे दिक्कत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य है। बात करेंगे वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में दोस्ती यारी के चक्कर में अपनी लव लाइफ खराब करेंगे, दोस्तों की वजह से झगड़े हो सकते हैं। आपका अगर कोई दोस्त है तो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ सकता है आपका पार्टनर। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों सिंगल हैं तो दिन आज का आपका बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति मिल सकता है या कोई हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड हो और उससे आपको अटैचमेंट हो जाए आज। लव लाइफ में रोमांस बहुत होगा, प्यार बहुत होगा और आज के दिन आपके पार्टनर आपके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में फिर से एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मैरिड लाइफ में छोटे मोटे वाद विवाद हैं लेकिन दिन बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों सिंगल हैं तो दिन सामान्य है लेकिन लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे, बहुत आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं और हो सकता है कि वर्तमान में आप दो नाव में सवार हों, किसी और पर भी ध्यान दे रहे हों, तो इस वजह से आप डर के रहेंगे आज के दिन और बहुत दिक्कत भी होगी। मानसिक अशांति प्राप्त होगी और अपमान बहुत करेगा पार्टनर अगर कुछ भी उसे पता चल गया आपने चीटिंग वगैरह जो करी है उसको लेकर के। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में गलतियां बहुत निकालेंगे पार्टनर, आपके अंदर कमियां बहुत देखेंगे, नेगेटिव वाइब्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खराब होंगी, दिन खराब रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल बातें करेगा, सेक्सुअल बातें करेगा और उन बातों से आप दोनों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़े लेंगे, पूरा दिन बहुत बेहतरीन निकलेगा। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके लिए बहुत इमोशनल होने लगे, अगर हो रहे हैं तो आपके लिए आगे चल करके परेशानी वो बनेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे और आज जो है कर्क राशि की वीडियो आज नहीं तो कल शायद मिलेगी, तो आप देखिएगा कर्क राशि वालों के बारे में 11 महत्वपूर्ण रहस्य हमारे दूसरे चैनल पर एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी पर। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पार्टनर रोमांस, सेक्सुअल फीलिंग ये सब चीज़ें दिखाएगा और आप तैयार नहीं होंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा उसका, तो अगर उसकी जिद नहीं मानी तो दिक्कत है। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में बहस झगड़े हो सकते हैं, तलाक की धमकी भी दी जा सकती है। अगर कोर्ट कचहरी में ही मामले पहुँचे हुए हैं तो आपको अपनी शादी बचाने के लिए जो करना पड़े करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन कोई बात बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य है। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों सिंगल हैं तो दिन सामान्य रहेगा। लव लाइफ में भरपूर प्यार मिलेगा, पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा और अधिक आपको केयर भी करने वाला है। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा और एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत दिन अच्छा रहेगा, इमोशनल मोमेंट हो सकते हैं बहुत सारे पार्टनर के साथ में, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन किसी गलत व्यक्ति के प्यार में पगला सकते हैं, हो सकता है किसी गलत व्यक्ति से इम्प्रेस हो जाएं। लव लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ में भी बात तो करता है, वो जो मजाक में कहता है वो सच है और अगर तह तक जाएंगे तो कुछ बेहतर पता चलेगा, जिससे आपके होश उड़ेंगे और मज़ा भी बहुत आएगा और ऐसा भी लगेगा कि आप अकेले ही गलत नहीं हैं, गलत दोनों तरफ से थे, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। स्थिति मैरिड लाइफ में सामान्य है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको रुला सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको प्रॉमिस करेंगे, बहुत बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन आपका मन तो घबराएगा, आप तो परेशान ही रहेंगे। अब इसमें आपके पार्टनर आपको कितना समझ रहे हैं, आप उन्हें कितना समझ रहे हैं, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो स्थितियां ग्रहों की दिख रही हैं वो आपके लिए आज काफ़ी मानसिक अशांति को, कष्ट को दर्शाती हैं। मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में झगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं और किसने किसको कितना दिया, किसका कितना लिया, इन सभी चीज़ों पे ही बातचीत होती रहेगी। लेकिन प्यार कहीं से बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक दूसरे से प्यार की उम्मीद मत कीजिएगा।
बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत प्यार देगा, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति थोड़ी सी खराब है। फिर से पैचअप की उम्मीद अभी तो नहीं है। आज के दिन बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर पास्ट की बातें करेंगे, तो आपको दिक्कत ये हो जाएगी कि क्यों पास्ट की बात कर करके खून पी रहे हो, क्यों पास्ट की ही बातें रोज करनी है। तो इन सब चीज़ों से दिक्कत होने वाली है आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामान्य है। लव लाइफ में रोमांटिक स्थितियां हैं और मैरिज का प्रपोजल आज पार्टनर दे सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में हद से ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तारीफ करेंगे तो आपको शक होने लगेगा, ये तारीफ क्यों कर रहे हैं। और तारीफ होगी आपसे कुछ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें करने के लिए, गिफ्ट मांगने के लिए, कुछ भी। लेकिन स्थिति फिर भी आपको मज़ा आएगा, बहुत दिन बेहतरीन निकलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सिंगल हैं तो किसी गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं, गलत व्यक्ति से इम्प्रेस हो सकते हैं। लव लाइफ में दोस्तों की वजह से हो सकती है प्रॉब्लम बढ़ जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर जो है अब किसी और का हो चुका है। और मैरिड लाइफ में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। हेल्थ प्रॉब्लम या फिर आप दोनों के बीच में रात में फिजिकल रिलेशन को लेकर के भी झगड़े हो सकते हैं, पार्टनर का मूड ना हो, इस तरीके से स्थितियां खराब होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बार बार आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, इससे आज दिन खराब रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर आपको भरपूर प्यार देगा, बहुत ही रोमांस की स्थितियां रहेंगी। और पार्टनर आज आपको कहीं बड़ा ट्रिप प्लान कर सकता है, किसी ट्रिप पर निकल सकता है, अचानक से सरप्राइज दे सकता है, अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट में आपका पार्टनर कॉन्टैक्ट में आएगा आज के दिन और वो कहेगा कि अब मेरी शादी होने वाली है, अब मैं शादी करने वाला हूँ। अच्छा, किससे शादी कर रहा हूँ? लव मैरिज ही कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब तरह का सपोर्ट दिया लेकिन मुझे किसी ने मेंटल सपोर्ट किया, इसलिए मुझे उससे प्यार है। तो समस्या पता है क्या है? आपको बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मैंने सब कुछ किया लेकिन इसे मेरा मेंटल सपोर्ट दिखाई नहीं दिया और किसी और ने दो दिन मेंटल सपोर्ट जो भी किया है उससे प्यार हो गया इसे। तो आपको समझ आएगा कि आपसे उसे कभी प्यार नहीं था, प्यार था आपको उस पर आपको उससे प्यार था लेकिन उसे प्यार नहीं था, यही आप गलती कर बैठे। इसलिए आज बहुत दुख होने वाला है, बहुत रोने वाले हैं, बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन मैरिड लाइफ में आज का दिन बहुत रोमांटिक रहेगा, पार्टनर बहुत प्यार देगा। आज के दिन आपके पार्टनर आपकी हर शर्त मानेंगे और आपके सारों पर नाचेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर अपमानित कर सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है तो पहली बात तो आप दोनों ही बदनाम होने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। आज के दिन फिजिकल होना या एक होटल में मिलना या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे बहुत चिपकना, ये चीज़ें आप दोनों के लिए घातक हो सकती हैं। फ़ोन कॉल के जरिए या फ़ोन पे भी चैटिंग करते हुए आपके हस्बैंड आपकी वाइफ पकड़ सकते हैं आपको। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो पकड़ना एक अलग हो गया। हो सकता है कि ज़्यादातर पब्लिक प्लेस में बदनामी हो जाए या बहुत ज़्यादा परिवार में या फिर समाज में बदनामी की स्थिति बन रही है। जितनी दूरियां बनाएंगे आज के दिन उतना आपके लिए उत्तम है। दोस्तों यह था लव राशि फल। अगर आपको यह लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।